नमस्कार दोस्तों, एग्जाम अड्डा 3.0 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन पूछा जाते हैं बहुत ईजी होते हैं, इसे हम आसानी से मार्क्स उठा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, तो आपको सामने भी दिखाई देता है एक छोटा सा मैप। इस मैप में जितने भी स्टेट का राष्ट्रीय पार्क है या टाइगर रिजर्व है सबको इंक्लूड कर दिए फ्रेंड्स। और आपको दिखाई देता होगा यहाँ पर हेमिस हाई है, किसोतर है, दाचीगामा है या काजिरंगा है, मानस है, जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है सब इसको इंक्लूड किया हुआ फ्रेंड्स। और इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या जूम करके दे सकते हैं। इसको बार बार देखिएगा फ्रेंड्स, इससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम कुछ टॉपिक देख लेते हैं जो बार बार एग्जामों में रिपीट होता है। तो पहला जो है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स। पूछ देता है तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना पूछ सकता है, इसकी स्थापना 1935 में हुई थी फ्रेंड्स। ये कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। ये कौन सा नदी है जो जिम कार्बेट से बहती है? तो रामगंगा नदी है जो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से बहती है। इसका पुराना नाम फ्रेंड्स पूछ सकता है, तो पुराना नाम पूछता है हेली नेशनल पार्क, इसका पूरा नाम है। तो फ्रेंड इससे तीन चार टॉपिक बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पूछता है फ्रेंड्स, देश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो देश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है फ्रेंड्स। इसी और पूछता है देश में सबसे ज़्यादा वन जीव अभयारण्य कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में। कितना है? तो 94 है। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस नेशनल पार्क फ्रेंड्स। इस प्रकार इससे बहुत क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे हम प्रत्येक राज्यों में कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट में देखते हैं। पहला राज्य है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो है एकमात्र है इंपॉर्टेंट जो नामदफा राष्ट्रीय पार्क फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा नामदफा राष्ट्रीय पार्क। ये फ्रेंड्स टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार हरियाणा में आते हैं तो हरियाणा में दो राष्ट्रीय पार्क है। पहला है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क और सेकेंड है कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क। फ्रेंड जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क है इस पर ध्यान दीजिएगा, ये जो है हमारा है जलीय जीव के लिए प्रसिद्ध है। सुल्तानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क जलीय जीव के लिए प्रसिद्ध है। पूछ देता है कई एग्जामों में, लगभग स्टेट लेवल पूछता है फ्रेंड्स। तो हरियाणा में कौन सा ऐसा राष्ट्रीय पार्क है जो जलीय जीवन के लिए प्रसिद्ध है? तो जलीय जीव के लिए प्रसिद्ध है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। इसी प्रकार नेक्स्ट था कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क फ्रेंड्स। चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेट की ओर। हमारा अगला स्टेट है उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय पार्क है और चंद्र प्रभा वन्यजीव अभयारण्य है फ्रेंड्स। दोनों ये राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में और बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसे सबसे पहला है दुधवा राष्ट्रीय पार्क, ये फ्रेंड्स है टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर बाघ संरक्षण है। और सेकेंड हमारा है चंद्र प्रभा वन्यजीव अभयारण्य फ्रेंड्स, ये जो हमारा है भालू, नीलगाय, तेंदुआ और सांभर या जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स। इसी पर हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है झारखंड में। झारखंड में फ्रेंड्स तीन हमारा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। पहला है बेतला राष्ट्रीय पार्क, सेकेंड है हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क और थर्ड है धीमा राष्ट्रीय पार्क फ्रेंड्स। बेतला राष्ट्रीय पार्क है, इसका दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम है हमारा पलामू राष्ट्रीय पार्क, इसको दूसरा नाम पलामू राष्ट्रीय पार्क भी कहते हैं। और सेकेंड है हमारा हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क और थर्ड है धीमा राष्ट्रीय पार्क फ्रेंड्स। धीमा राष्ट्रीय पार्क कहीं कहीं आपसे इसका दूसरा नाम ही मिलता है, दलमा वन्यजीव अभयारण्य मिलता है फ्रेंड्स। तो जी इसमें बेतला राष्ट्रीय पार्क है और हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क है, ये है हाथी, हिरण, तेंदुआ और जंगली सुअर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी पर हम देखते हैं आगे हमारा है मणिपुर राज्य। मणिपुर राज्य में भी दो नेशनल पार्क है जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है कायबुल लम्हो राष्ट्रीय पार्क और दूसरा है सिरोही राष्ट्रीय पार्क। पहला कौन है? कायबुल लम्हो राष्ट्रीय पार्क और सेकेंड है सिरोही राष्ट्रीय पार्क। इसी फ्रेंड्स हमारे आगे सिक्किम में भी त्रिपुरा, दोनों स्टेट ऐसा है जिसमें एक एक राष्ट्रीय पार्क पाया जाता है। सिक्किम में जो है खांजन जोंगा राष्ट्रीय पार्क और इसी बात त्रिपुरा में क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क फ्रेंड्स, ये दो राष्ट्रीय पार्क पाया जाता है, सिक्किम में एक और त्रिपुरा में एक। इसी प्रकार हम नेक्स्ट तमिलनाडु देखते हैं। तमिलनाडु राज्य में पांच नेशनल पार्क है। पहला है गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क, सेकेंड है इंदिरा गांधी जिसको आनामलाई राष्ट्रीय पार्क भी कहते हैं फ्रेंड्स, और तीसरा है पलानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क, चौथा है मुकुरुंद नेशनल पार्क और पाँचवें है गुनीडे नेशनल पार्क। तो फ्रेंड्स तमिलनाडु राज्य में पांच इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स है और इसमें जो है हमारा है गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क भी है, इंदिरा गांधी और आनामलाई राष्ट्रीय पार्क है। लेकिन जो इसमें आनामलाई राष्ट्रीय पार्क है फ्रेंड्स, ये टाइगर रिजर्व के लिए
फंसी दें। ठीक है फ्रेंड्स, इस बार हम चलते हैं नेक्स्ट राज्य हमारा है उड़ीसा आता है। इसमें भी हमारा फ्रेंड्स चार नेशनल पार्क है। पहला है भितरकनिका राष्ट्रीय पार्क है, सेकेंड है सिमली राष्ट्रीय पार्क, थर्ड है नंदकानन राष्ट्रीय पार्क और फोर्थ है चिल्का जी राष्ट्रीय पार्क। फ्रेंड्स इसमें जो सिमली राष्ट्रीय पार्क है ये बहुत ही एग्जाम पूछ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तुरंत हाल ही में एग्जाम जो हुआ था एसएससी का उसमें ये प्रश्न पूछा था सिमली राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो सिमली राष्ट्रीय पार्क कहाँ है ये फ्रेंड्स उड़ीसा में है। और सिमली राष्ट्रीय पार्क जो होता है टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। और चिल्का जो यहाँ पर है चिल्का झील अभयारण्य ये फ्रेंड्स हमारा क्रेन और जलकोवा और खासकर फ्रेंड्स ये चिल्का झील जो हमारा है प्रवासी पंछी के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स तो अब क्वेश्चन आएगा उड़ीसा में कितने है, तो चार जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर नेशनल पार्क, इसमें चारों में नाम याद हो गया होगा। पहला है भितरकनिका राष्ट्रीय पार्क, सेकेंड है सिमली राष्ट्रीय पार्क और थर्ड है नंदकानन राष्ट्रीय पार्क और फोर्थ है चिल्का झील अभयारण्य। ठीक है फ्रेंड्स, इसी पे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा है राज्य है मिजोरम। मिजोरम में नेशनल पार्क जो है हमारा है चार गो इम्पोर्टेंट है। पहला है माउंटेन राष्ट्रीय पार्क और सेकेंड है मोली नेशनल पार्क, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क और थर्ड है फांगपुई नेशनल पार्क और फोर्थ है डाम्फा अभयारण्य, जिसमें डाम्फा अभयारण्य है। डाम्फा अभयारण्य फ्रेंड्स ये हमारे कोबरा और बिल्ली के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स किसके लिए प्रसिद्ध है, कोबरा और बिल्ली के लिए हमारा डाम्फा अभयारण्य बहुत से प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स इसी पर हम चलते हैं हमारे जम्मू कश्मीर देखेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा है नेशनल पार्क आ जाता है और इस राज्य में हमारा है दाचीगामा राष्ट्रीय पार्क, सलीम अली राष्ट्रीय पार्क, किश्तवाड़ा राष्ट्रीय पार्क, हेमनिस नेशनल पार्क और जेव मेंडर रिजर्व जो नेशनल पार्क है ये सब जम्मू कश्मीर पड़ता है। तो फ्रेंड्स दाचीगामा जो राष्ट्रीय पार्क है ये फ्रेंड्स तेंदुआ काला भालू लाल भालू के लिए प्रसिद्ध है और सलीम जो अली राष्ट्रीय पार्क है फ्रेंड्स ये पंछी अभयारण्य के प्रसिद्ध है। सलीम अली नेशनल पार्क है फ्रेंड्स ये जो रहता है सलीम अली एक पंछी वैज्ञानिक और प्रकृतिवादी थे जिनका नाम सलीम अली था। फ्रेंड्स इसको बर्ड मैन के नाम से ही प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स इसी पर भी मूवी आया था रजनीकांत का रोबर्ट टू, ये फ्रेंड्स इसी पे जो उसमें एक थे वैज्ञानिक के नाम बर्ड मैन उसी के नाम पे आधारित था। फ्रेंड्स ठीक है, अगला बार किश्तवाड़ा हो गया राष्ट्रीय पार्क, हेमनिस नेशनल पार्क, हेमनिस पार्क आया था पहले बता चुके, सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क जो है हमारा कौन है हेमनिस नेशनल पार्क जो है ये श्रीनगर में पड़ता है और ये सलीम राष्ट्रीय पार्क था ये भी श्रीनगर पड़ता है। ठीक है, पचवा नंबर जो था जैव मंडल रिजर्व पार्क जो है ये भी श्रीनगर पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम चलते हैं। अगला हमारा स्टेट है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में फ्रेंड्स इसमें भी ये पाँच इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, पांच इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। पहला है सुंदरबा राष्ट्रीय पार्क, सेकेंड है बुक्सा राष्ट्रीय पार्क और थर्ड है जल्द पारा राष्ट्रीय पार्क और फोर्थ है गुरुवारा राष्ट्रीय पार्क और फाइव है सिंघा लीला राष्ट्रीय पार्क। फ्रेंड्स इसमें जो सुंदर राष्ट्रीय पार्क है सुंदर राष्ट्रीय पार्क फ्रेंड्स है और बुक्सा राष्ट्रीय जो पार्क है ये फ्रेंड्स ये टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। सुंदर जो सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क है फ्रेंड्स टाइगर के अलावा इसमें हिरन भी पाया जाता है लेकिन टाइगर के लिए सबसे ज़्यादा विख्यात है। फ्रेंड्स ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद हो गया तो पश्चिम बंगाल कौन कौन सा है, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क, बुक्सा राष्ट्रीय पार्क और थर्ड है जल्द पारा राष्ट्रीय पार्क और फोर्थ है गुरुवारा राष्ट्रीय पार्क और फाइव है सिंघा लीला राष्ट्रीय पार्क। फ्रेंड्स इसी बार चलते हैं नेक्स्ट हमारा राज्य मध्य प्रदेश पड़ता है। मध्य प्रदेश के फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क इसी में है। फ्रेंड्स इसीलिए इसको मध्य प्रदेश को हम कहते हैं टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, पूछ सकता है एग्जाम में पूछता भी है तो कौन सा स्टेट है जिसे हम टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं, तो टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश जानते हैं। क्यों जानते हैं फ्रेंड्स, तो सबसे ज़्यादा अभी भी टाइगर जो पूछता है किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में है और सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भी किस में है, तो मध्य प्रदेश है। फ्रेंड्स इसलिए इसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेंड्स तो इसमें देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला है इसमें कान्हा राष्ट्रीय पार्क, सेकेंड है हमारा पेंच राष्ट्रीय पार्क, थर्ड है पाना राष्ट्रीय पार्क, फोर्थ है सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, फिफ्थ नंबर है वन बिहार पार्क और सिक्स नंबर है रुद्र सागर झील राष्ट्रीय पार्क जो है, सेवन है बांधागो नेशनल पार्क, एट है संजय नेशनल पार्क, फ्रेंड्स नाइन नंबर है माधव राष्ट्रीय पार्क, टेन है कुनू नेशनल पार्क, फ्रेंड्स इलेवन है मांडला प्लान फैसी राष्ट्रीय पार्क। ये सब फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसमें फ्रेंड्स जो काना है बाघ चीतल तेंदुआ बरसिंगा के लिए प्रसिद्ध है, इसी और बांधवगढ़ ये भी बाघ चीतल भालू और नीलगाय के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन ये जो दोनों इंपॉर्टेंट जो काना और बांधवगढ़ फ्रेंड्स ये टाइगर के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी पर हम देख लेते हैं संजय रिजर्व पार्क माधव राष्ट्रीय, इसमें सब फ्रेंड्स हो गया। इसे फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट असम राज्य आता है। फ्रेंड्स असम राज्य में
पांच इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। पहला है मानस राष्ट्रीय पार्क, सेकंड है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, थर्ड है नामेरी राष्ट्रीय पार्क और फोर्थ नंबर है राजीव गांधी उरांग पार्क और फाइव नंबर है डिब्रूगढ़ सिखवा राष्ट्रीय पार्क। फ्रेंड्स जो इसमें मानस राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मानस राष्ट्रीय पार्क टाइगर रिजर्व है और फ्रेंड्स ये हाथी भालू और एक सिंग वाले गेड़ा चीतल के लिए प्रसिद्ध है। उसी पर काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क फ्रेंड्स है ये एक सिंग वाला गेड़ा के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स ये बहुत बार पूछ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो एक सिंह वाला गेड़ा से कौन सा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है? तो एक सिंह वाला गेड़ा से काजीरंगा प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी पर हम अगला देखते हैं। अगला हमारा स्टेट है आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी देखिए। कसरू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क है, मरुगवामी नेशनल पार्क है फ्रेंड्स और फोर नंबर है वेंकटेश्वरम राष्ट्रीय पार्क है, फाइव नंबर है कावला राष्ट्रीय पार्क, सिक्स नंबर है नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क और सेवन नंबर है नेलापतु राष्ट्रीय पार्क। फ्रेंड्स ये सब कौन से में है? तो ये हमारा आता है आंध्र प्रदेश राज्य में ये सब पार्क है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो आता है पखाला वन्यजीव अभयारण्य फ्रेंड्स चीतल भालू के लिए प्रसिद्ध है और इसमें जो कावला राष्ट्रीय पार्क की जो हम देख रहे हैं फाइव नंबर में, ये फ्रेंड्स है तेंदुआ और जंगली सुअर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, लगभग जो क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स ये पूछा जाता है तो ये नेशनल पार्क और किस राज्य में है। ठीक है फ्रेंड्स, तीन चार जो ऐसा नेशनल पार्क है जो स्पेशल है जिसमें यही पूछता है, जैसे एक सिंह वाला गैनर सेल कौन सा पार्क मशहूर है, या पूछता है सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क कौन से है, या पहला राष्ट्रीय पार्क कौन जिसका स्थापना कब हुआ, ये सब फ्रेंड्स पूछता है। ठीक है, नहीं तो ये ज़्यादातर पूछता है ये तो कौन सा नेशनल पार्क किस राज्य में। फ्रेंड्स इसमें चलते हैं, हमारा अगला स्टेट है महाराष्ट्र पड़ता है। महाराष्ट्र में हमारा फ्रेंड्स सात को इम्पोर्टेंट जो नेशनल पार्क है अवेलेबल है। पहला है बोरी वली जिसको हम संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क कहते हैं, सेकेंड है चंदौली राष्ट्रीय पार्क, थर्ड है तबोड़ा राष्ट्रीय पार्क और इस पर अगला है नवागावा राष्ट्रीय पार्क और सिक्स नंबर है तानसा नेशनल पार्क जो थाने में पड़ता है फ्रेंड्स और सेवन नंबर है मेलघाट राष्ट्रीय पार्क। फ्रेंड्स ये सब जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है किसे पड़ता है? महाराष्ट्र पार्क पड़ता है। इसको रिपीट भी कर सकते हैं, बोरीवाली चंदौली तबोड़ा नवगावा तानसा नेशनल पार्क मेल घाटा राष्ट्रीय पार्क, इसमें पड़ता है महाराष्ट्र में पड़ता है। जो बोरवली जो है कौन से फ्रेंड्स से बोरोवली जिसको संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क कहते हैं, ये फ्रेंड्स हमारा जो है लंगूर के लिए हिरण तेंदुआ और सांभर के प्रसिद्ध है। तनसा जो हमारा है तेंदुआ सांभर और चीतल पंछी के लिए प्रसिद्ध है और मेलाघाट जो पेंच है ये फ्रेंड्स भी किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हमारा है फ्रेंड्स, ये जो मेलाघाट पेंच तबाउ राष्ट्रीय पार्क नवगा ये सब फ्रेंड्स टाइगर रिजर्व के लिए भी फ्रेंड्स फेमस है। ठीक है फ्रेंड्स, इस पर चलते हैं, हमारा आता है अंडमान निकोबार जिसमें सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभयारण्य पाया जाता है 94 है, हम पहले बता चुके हैं। इसमें जो हमारा है अगला सैंडल पिक राष्ट्रीय उद्यान है, सेकेंड है महात्मा गांधी मेरिन जिसको बंधु राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, थर्ड है फोसी राष्ट्रीय पार्क, फोर है कैबल नेशनल पार्क है फ्रेंड्स, फाइव है गलेथा राष्ट्रीय पार्क, सिक्स है माउंट हेरिट नेशनल पार्क और सेवन है रानी झांसी मेरिन नेशनल पार्क। फ्रेंड्स ये सब किसे बताता है? अंडमान निकोबार फ्रेंड्स पर जाता है। फ्रेंड्स ये वीडियो को शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में हम एक सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त ट्रिक बताएंगे जो फ्रेंड्स बहुत जल्दी याद हो जाएगा, कहीं भूलिएगा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, इस तरह के वीडियो को अभी बने रहिएगा फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट, हमारा है हिमाचल प्रदेश आता है राज। हिमाचल प्रदेश में जो है पीनी वैली पार्क है, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क है, रोहला राष्ट्रीय पार्क है, किरगंगा राष्ट्रीय पार्क है, शिमलाब्रा राष्ट्रीय पार्क है, इंदिरा किला नेशनल पार्क है, सिकरी देवी राष्ट्रीय पार्क, ये सब फ्रेंड्स पड़ता है हमारा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश से जो फ्रेंड्स है रोहला राष्ट्रीय पार्क है ये कस्तूरी हिरण के प्रसिद्ध है। ये पूछता है फ्रेंड्स कस्तूरी हिरण के कौन सा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है? तो ये थर्ड नंबर जो लिखा हुआ है रोहला राष्ट्रीय पार्क फ्रेंड्स जो हिमाचल प्रदेश से पड़ता है ये हमारे कस्तूरी हिरण के लिए प्रसिद्ध है। और इसके अलावा इसमें भूरा भालू पहाड़ी मृग भी पाया जाता है लेकिन ये फ्रेंड्स कस्तूरी हिरण के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला फ्रेंड्स से गुजरात राज्य हमारा आता है। गुजरात राज्य में भी पांच इंपॉर्टेंट जो हमारा नेशनल पार्क है टाइगर रिजर्व है। पहला है गिर राष्ट्रीय पार्क है, सेकेंड है मरीन राष्ट्रीय पार्क, थर्ड नंबर है ब्लैक बुक राष्ट्रीय पार्क और फोर नंबर है गल्फ ऑफ कच्छ और फाइव नंबर है बसंदा नेशनल पार्क जिसमें गिर राष्ट्रीय पार्क है फ्रेंड्स। इसमें शेर सांभर और तेंदुए जंगली सुअर के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स। ठीक है, इसे इसमें रिपीट कर सकते हैं हम, गिर राष्ट्रीय पार्क, मरीन राष्ट्रीय पार्क, ब्लैक बुक राष्ट्रीय पार्क, गल्फ ऑफ कच्छ और पसंदा नेशनल पार्क, ये सब फ्रेंड्स गुजरात में पड़ता है। इसी पर हम आगे चलते हैं उत्तराखंड। फ्रेंड्स उत्तराखंड सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है ये फ्रेंड्स में, देखिए
हमारा जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क, मैंने बता चुके हैं, जिम कार्बेट, वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, गोविंद पासु बिहार नेशनल पार्क, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। फ्रेंड्स ये सब किसमें पड़ता है, तो उत्तराखंड पड़ता है। इसमें जो जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क है फ्रेंड्स, सबसे भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है जिसका स्थापना 1935 में हुआ था फ्रेंड्स, ये हम बता चुके हैं। ठीक है, ये कहा उत्तराखंड पड़ता है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स। जो जिम कार्बेट है लगभग एग्जाम में देखिएगा तो ये रिपीटेड है, ठीक है, स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल, कोई भी एग्जाम है, रेलवे हो, इसी से इससे में ये रिपीट होता है बहुत बार। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हो गया जिम कार्बेट, वैली ऑफ नंदा देवी, राजा जी, गोविंद पासु बिहार, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। फ्रेंड्स ये सब हमको आशा है आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट राज्य चलते हैं, छत्तीसगढ़ आता है। छत्तीसगढ़ में कंगेरा घाटी जो कंगेर वैली राष्ट्रीय पार्क है, इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क है, गुरु घासीदास संजय राष्ट्रीय पार्क है, इसे फ्रेंड्स हमारा छत्तीसगढ़ पड़ता है। फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ जो इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क है, टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते अगला हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट है केरल राज्य आता है फ्रेंड्स। केरल राज्य में हमारा पांच इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क पाया जाता है। पहला है साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क, सेकेंड है पेरियार नेशनल पार्क, थर्ड है मैथिकेतन नेशनल पार्क, फोर्थ नंबर है अन्ना मुदाई नेशनल पार्क और फाइव है एराकुलम नेशनल पार्क। ये फ्रेंड्स किसमें है, केरल में। केरल में जो पेरियार जो हमारा पार्क नेशनल पार्क है, ये फ्रेंड्स हमारा हाथी तेंदुआ सांभर हिरण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए चलते हैं हमारा नेक्स्ट हमारा राज्य आता है कर्नाटक राज्य। फ्रेंड्स कर्नाटक में हम देखते हैं सिक्स जो है हमारा छः है नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क, सेकेंड नागरहोल जो राजीव गांधी के नाम से प्रसिद्ध है राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय पार्क, बनेर घाटाला नेशनल पार्क, कुड़ुमरुक नेशनल पार्क और तुभादा राष्ट्रीय पार्क। ये सब फ्रेंड्स हमारे किसमें, तो कर्नाटक राज्य में पड़ता है फ्रेंड्स। इसे जो बांदीपुर है, और बांदीपुर फ्रेंड्स हाथी तेंदुआ हिरण और चीतल के प्रसिद्ध है। इसी तरह तुंगभद्रा जो होता है हमारा फ्रेंड्स, ये भालू हाथी और सामर तेंदुए के प्रसिद्ध है। बांदीपुर और नागरहोल जो है ये टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, तो आपको याद हो गया होगा। इसमें चलते हैं नेक्स्ट हमारा है राजस्थान राज्य फ्रेंड्स, इसमें भी इम्पोर्टेंट है, इसमें नाइन देखिए इम्पोर्टेंट जो राष्ट्रीय पार्क है हमारा मिलता है। तो पहला देख लेते हैं, इसमें जो हमारे केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है, रथम्बोर राष्ट्रीय पार्क है, सरसिका राष्ट्रीय पार्क उद्यान है, डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क है, दारा राष्ट्रीय पार्क है, घना पंछी राष्ट्रीय उद्यान, केवला देवी राष्ट्रीय पार्क, तलछपरा अभ्यारण्य और नाइन नंबर है हमारे फ्रेंड्स है माउंट अबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रणथम्बोर, ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स, ये दोनों देख लीजिएगा दो नंबर और नाइन नंबर फ्रेंड्स। इसमें जो हमारे फ्रेंड्स है घाना जो है, जो यहाँ पर घाना पंछी राष्ट्रीय पार्क, इसमें फ्रेंड्स और ये सांभर काला हिरण और जंगली सूर्य के प्रसिद्ध, लेकिन जो घाना है सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स ये काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार रणथम्बोर अभयारण्य जो है शेर और तेंदुआ लकड़बाग के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसे पूछा जाएगा तो रणथम्बोर टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे हम चलते हैं हमारा अगला आता है पंजाब। पंजाब में मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान जो फेमस है, ये हैरिके बेटेड लैंड नेशनल पार्क फ्रेंड्स है जो हम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तेलंगाना में चलते हैं, तेलंगाना राज्य में दो है, महावीर हरिना बनस्थी नेशनल पार्क है, किन्नर सराई अभ्यारण्य। इसी पर एक केवला जो नेशनल पार्क है, ये भी फ्रेंड्स यहाँ पर तेलंगाना पाया। ठीक है, केवला किसे तेलंगाना पाया। ठीक है, ठीक है, इसी पर चलते हैं हम गोवा जो देख लेते हैं। गोवा स्टेट में चार महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। पहला है सलीम अली बर्ड सेंचुरी, सेकेंड है नेत्रावली वन्यजीव पार्क, थर्ड नंबर है चौरा राष्ट्रीय पार्क और फोर्थ नंबर है भगवान महावीर नेशनल पार्क। फ्रेंड्स ये चार जो हमारा है गोवा में पड़ता है। इसे हम अपने बिहार में देख लेते हैं फ्रेंड्स। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क, विक्रमशिला गंगटीक डॉल्फिन सेंचुरी है, कवर लेक बर्ड सेंचुरी है फ्रेंड्स, ये तीनों जो हमारा बिहार में पड़ता है। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क, विक्रमशिला गंगटीक डॉल्फिन सेंचुरी, कवर लेक बर्ड, ये सब बिहार में पड़ता है। इस बार नागालैंड राज्य है, इसमें भी एक है मात्र फ्रेंड्स, इंटांगी अभ्यारण्य जो कोहिमा पड़ता है, ये है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी बार हम चलते हैं मेघालय हमारा राज्य देख लेते हैं। मेघालय में फ्रेंड्स है बल्फकरम नेशनल पार्क, सिजू अभ्यारण्य और नागे खिलम अभ्यारण्य फ्रेंड्स। इसी प्रकार हमारा जो है सभी स्टेट में जितना इंपॉर्टेंट है सबको हम डिस्कस कर दिए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप बार बार इस वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो के देखने के बाद इसको एक कॉपी लीजिएगा, नोटबुक कीजिएगा, इसको बिना देखे हुए इसको लिखिएगा। यदि आपको फिर से गलती होता है फिर इस वीडियो को देखिएगा। इस बार दो तीन बार फ्रेंड्स कर रहे थे, ये हमेशा के लिए आपको
याद हो जाएगा और हर एक एग्जाम में जो इसे क्वेश्चन पूछेगा आप बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक लेके आएंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप मेरे वीडियो को पसंद आए तो आप इस वीडियो में ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा वीडियो कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स।